स्वागत है सबका मेरी कक्षा सब पढ़ो में। आज की कक्षा में हम करेंगे उपसर्ग। उपसर्ग क्या होते हैं? वे शब्द जो शब्दों के आरंभ में जुड़कर उनके रूप व अर्थ में परिवर्तन करके नए शब्दों की रचना करते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। एक बार फिर से सुनिए, वे शब्द जो शब्दों के आरंभ में जुड़कर उनके रूप व अर्थ में परिवर्तन करके नए शब्दों की रचना करते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। तो जैसे आप इंग्लिश में इनको क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स प्री मतलब जो पहले लगते हैं, तो उपसर्ग यानी जो पहले लगते हैं शब्द के और उससे उनकी जो उनका अर्थ बदल जाता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ उपसर्ग लिए हैं और उन उपसर्ग से बने हुए शब्द। तो पहला है अभी। अभी अभी से बनता है अभिलाषा, अभियोग, अभियोग, अभिमान, अभिप्राय। ध्यान से सुनिए, अभी, अभिलाषा, अभियोग, अभिमान, अभिप्राय। दूसरा है उप। उप से बना है उपवन, उपग्रह, उपदेश, उपकार। सु, सुपुत्र, सुलभ, सुगम, सुमति। सु मतलब सही, सुपुत्र यानी अच्छा पुत्र, सुलभ आसानी से मिलने वाला, सुगम जहां आसानी से पहुंचा जा सके, और सुमति मतलब अच्छी बुद्धि। तो सु का मतलब होता है अच्छा। अप मतलब गलत, जैसे अपशब्द, अपवाद, अपहरण, अपकार। अपकार, अपहरण, अपवाद, अपशब्द, तो ये सारे अप के उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। फिर है स्व। स्वतंत्र, स्वच्छ, स्वभाव, स्वदेश। स्वतंत्र, स्वच्छ, स्वभाव, स्वदेश। तो ये शब्द जो है आप इनको बहुत अच्छे से, उच्चारण इनका सही होना चाहिए, और कई बार परीक्षाओं में, बड़ी कक्षाओं में तो उपसर्ग से बने हुए शब्द आते हैं, तो इसमें जो है आपके कुछ अंक तो जरूर बढ़ेंगे और आपका जो ज्ञान है वो तो बढ़ेगा ही। फिर है अव। अव से बने हुए, अव उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं अवगुण, अवगुण, अवकाश, अवशेष, अवनति। अनु, अनुचर, अनुसरण, अनुकूल, अनुमान। दिख रहा है ना? फिर है वी। विनाश, विवाद, विकार, विपक्ष। दूर, दुर्बल, निर्जन, निर्बल, निर्मल, निर्दय। एक बार फिर से देखिए, दुर्बल, निर्जन, निर्मल, निर्दय। फिर है प्रति। प्रति उपसर्ग, प्रत्यक्ष, प्रत्येक, प्रतिदिन, प्रतिशोध। प्रत्यक्ष, प्रत्येक, प्रतिदिन, प्रतिशोध। नी, निबंध, नियुक्त, निदान, निषेध। निबंध, नियुक्त, निदान, निषेध। निस, निस्संदेह, निस्संतान, निस्तेज, निश्चल। तो देखिए शब्द जो है इनसे आपके हिंदी के शब्दकोश भी बढ़ेंगे। अधि, अधिपति, अधिनायक, अधिकृत, अध्यक्ष। परा, पराधीन, पराभव, पराकर्म, परामर्श। फिर है उत, उत्थान, उत्तम, उत्पन्न, उत्कर्ष। उत्थान, उत्पन्न, उत्तम, उत्पन्न, उत्कर्ष। तो ये शब्द जो है आप इन्हें बार बार पढ़िए और अपने लेखन में इन शब्दों का प्रयोग कीजिए, और यदि आपको इन शब्दों में से अर्थ नहीं पता चल रहे हैं तो आप इनको ढूंढिए। आपके मन में जिज्ञासा भी तो होनी चाहिए कि यदि आपको किसी शब्द का अर्थ नहीं पता चल रहा है, तो जो बड़ी क्लास के बच्चे हैं खास तौर पे कक्षा 12 के, उन्हें तो निश्चित तौर पे सारे शब्दों के अर्थ पता होने चाहिए, और नहीं पता है तो आप उनको ढूंढिए, उनका अर्थ स्पष्ट कीजिए, ताकि आपके मन में जो है शब्दों का जो अर्थ है वो स्पष्ट रहे कि कहाँ पर कैसा प्रयोग करना है कौन सा शब्द, तभी आपकी लेखनी बहुत सुंदर होगी। तो पढ़ते रहिए, सब पढ़ो और इन नए शब्दों को औरों के साथ भी शेयर करो। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति करें
और आपके जो है जीवन में खुशियां बढ़े। तो मिलते हैं अगली कक्षा में। सब पढ़ो, सब बढ़ो।